दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के साथ संवाद करके, ब्रह्मांड से बातें करके अपनी इच्छाओं को साकार करने का कोई तरीका हो सकता है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपके विचार और इच्छाएं ये दोनों मिलकर ब्रह्मांड से आपकी गहरी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करे। क्या ऐसा संभव है कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को सुनता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है? इन तरह के कई सवाल आपके दिमाग में घूमते होंगे और आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने के बाद हम ये भी जानेंगे कि कुछ टेक्निक्स की मदद से सिर्फ 7 दिन में ही हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर कोई तरीका हो या एक विशेष भाषा हो जिससे आप ब्रह्मांड से बातचीत कर सके और अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सके तो कैसा होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी कला की खोज करेंगे और उन 4 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। अगर आप भी इन पॉइंट्स को जानना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इन पॉइंट्स के माध्यम से यूनिवर्स कम्युनिकेशन के रहस्यों को हम खोल सकते हैं और आप ये भी जानेंगे कि आप अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए ब्रह्मांड से कैसे बातें कर सकते हैं। ब्रह्मांड से बात करना केवल कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करना नहीं है, इसमें आपके मानसिकता का परिवर्तन, आपके विचारों और ऊर्जा का संरक्षण शामिल है। क्योंकि वास्तविक मैनिफेस्टेशन एक आंतरिक कार्य है, एक इंटरनल वर्क है, जो आपके इरादों की शक्ति और ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया देने की क्षमता में गहरे विश्वास पर आधारित है। यह सिर्फ इच्छा करने से ज्यादा है, क्योंकि ये आपकी आंतरिक दुनिया को बाहरी ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने की कला है। ये एक तरह का आर्ट है जिससे कि आप अपने भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया के साथ अलाइनमेंट बनाते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपनी इच्छाओं का सामंजस्य स्थापित करके, यानी कि अपने थॉट्स को हार्मोनाइज करके, आप अपने इरादों को मूर्त रूप देने के लिए मंच तैयार करते हैं। और इस अलाइनमेंट में आपके क्लियर थॉट और एक्यूरेसी ऑफ इंटेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके इरादों की सटीकता होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्पष्ट विचार और इरादों की सटीकता के साथ साथ ब्रह्मांड की शक्ति में अटूट विश्वास भी आवश्यक है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में अपने विश्वास को अपनाना और अपने नियंत्रण को छोड़ देना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको कुछ बेहद प्रभावशाली मैनिफेस्टेशन तरीके बताने जा रहा हूँ जिनका उपयोग आप ब्रह्मांड से बात करने के लिए कर सकते हैं और अपनी उन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सभी इच्छाएं आपके अवचेतन मन के माध्यम से इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है और आपके सभी इच्छाओं को पूरा करने में ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही शामिल होती है। इसलिए ये कुछ तकनीक जिसको मैंने अपने जीवन में खुद उपयोग की है और मैंने इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी पाए हैं। नंबर 1, यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। ब्रह्मांड से संवाद करते समय सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। सकारात्मक भाषा का उपयोग करने की आदत डालें। कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोले, जैसे कि अगर, लेकिन या शायद। इस तरह के शब्द का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। प्रचुरता को महसूस करें और उसे अस्तित्व में लाए। जितनी मजबूत भाषा होगी, आप खुद को और ब्रह्मांड को उतना ही अधिक आश्वस्त करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं सफल होना चाहता हूँ, इसके बजाय आप ऐसा कहें, मैं सफल हूँ। इससे आपके विचारों में अस्पष्टता आएगी, आपके बोलने में वजन आएगा, क्योंकि मैं हूँ, आई एम, इस शब्द में बहुत ही अधिक वजन होता है। इससे ब्रह्मांड को आपके इरादों की सटीकता का संदेश मिलेगा। जो भी बात करे उसे वर्तमान काल में बात करे, जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसके बजाय आप ऐसा कहे, मैं अमीर हूँ। इससे आपके मन में एक सकारात्मक भावना उत्पन्न होगी और आपके इरादे और अधिक मजबूत होंगे। जब भी आप इन शब्दों को बोले, अपने शब्दों को बोलते समय उसमें विश्वास करें। जब आप कहे, मैं खुश हूँ, तो इसे महसूस करें और अपने मन में खुशी को उत्पन्न करें। यह विश्वास ब्रह्मांड को आपकी वास्तविक इच्छा का संकेत देगा। अपनी बातों में हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का चयन करें। मैं मेहनत करूंगा, इसके बजाय मैं मेहनती हूँ, क्योंकि ये वाक्य से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके इरादे मजबूत होते हैं। अगर आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं या आभार व्यक्त कर रहे हैं, या आप अपने काम के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, तब आप ये बोलने के बजाय कि मैं सफलता पाने की उम्मीद कर रहा हूँ, आप ऐसा बोले, मैं अपनी सफलता के लिए आभारी हूँ। इससे ब्रह्मांड को ये संकेत मिलेगा कि आप पहले से ही अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के मार्ग पर है। अगर आपको अपने सकारात्मक कथनों को बोलने में परेशानी हो रही है, तो आप बोलने से पहले इन शब्दों को, इन वाक्यों को आप लिख लें। और एक बात याद रखें, लिखने के समय आपको लाल पेन का उपयोग करना है,
क्योंकि लाल रंग की कलम मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत ही पावरफुल टूल का काम करती है। लाल पेन का उपयोग करके लिखने से मैनिफेस्टेशन में कुछ विशेष प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि लाल रंग की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है और इसका मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव भी होता है। जब आप लाल पेन का उपयोग करके अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लिखते हैं तो यह रंग आपके इरादों को और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ संरेखित करने में मदद करता है। यह आपके थॉट्स और आपके डिजायर्स के बीच में एक अलाइनमेंट बनाती है, क्योंकि अगर साइंस की भाषा में देखा जाए तो लाल रंग की इंटेंसिटी बहुत ही अधिक तीव्र होती है, जो कि डायरेक्टली आपके दिमाग के जरिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब भी आप लाल पेन से अपनी इच्छा को लिखते हैं तो उस वक्त आप देखेंगे कि आपकी आंखों में एक आकर्षण बना रहता है, जिसकी वजह से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब आप लाल पेन से लिखते हैं तो आपके द्वारा लिखी गई सभी बातें अधिक ध्यान खींचती है और आपके अवचेतन मन में और अधिक गहराई से छपती है। जब भी आप अपने इरादों को लिखें, उस वक्त इसे साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखें, जैसे मैं खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे पास धन की प्रचुरता है, मैं इस सफलता के लिए आभारी हूँ। जब आपने इन शब्दों को लिख लिया तब आपको इन्हीं शब्दों को दोहराना है। और एक बात याद रहे, जब भी आप इन शब्दों को बोले तो इन्हें बहुत ही गहराई से आपको बोलना है, जैसे कि आपकी भावनाएं इसमें जुड़ सके। दूसरा है पे अटेंशन टू टॉपिक, विषय पर ध्यान दे। अपने स्टेटमेंट में विषय के बारे में सावधान रहे। आपके स्टेटमेंट का विषय नकारात्मक है या सकारात्मक, क्योंकि एक सकारात्मक बात शक्तिशाली और आशावादी होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं पैसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैं कर्ज से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इन दोनों वाक्यों में आपको फर्क दिखेगा। एक वाक्य में आपको पैसे और मैनिफेस्ट दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे वाक्य में आपको कर्ज दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे वाक्य में आप कर्ज को और अधिक मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए मैं कर्ज को छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस बात को अपना लिखे। यहाँ पर आप ऐसे लिखे, मैं पैसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दोनों का प्रभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए अपने स्टेटमेंट को जितना अधिक हो सके सकारात्मक रखने की ही कोशिश करें। नंबर 3, अवॉइड निगेशन, निगेशन से बचे। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो निगेशन का प्रयोग करना एक सामान्य गलती है। ब्रह्मांड हमारी भाषा नहीं बोलता, बल्कि ये हमारे इरादों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए नकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से बिल्कुल बचे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। नंबर 4, टॉक टू योर सेल्फ काइंडली, अपने आप से दयालुता से बात करें। वास्तव में अगर देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों में सेल्फ टॉक भी शामिल है। जब हम अपने आप से कठोरता से बात करते हैं या अपने आप को कठोरता से आंकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं, हम नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं, हम खुद को अपने आप से दूर करते जाते हैं। और मैनिफेस्टेशन में हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खुद पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अगर आप सब कुछ काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख रहे हैं, अच्छे एक्ट कर रहे हैं, इन सभी प्रोसेस को आप कर रहे हैं, लेकिन आप खुद पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि आपसे वो होगा या नहीं, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित कर रहे हैं। और आकर्षण के नियम में नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करना है। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि अपने आप से प्यार करें। और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, तब आप अपने आप से दयालुता से बात भी करेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप से दयालुता से बात करते हैं, तब आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं और ब्रह्मांड को ये लगता है कि ये बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लायक है। तो आप जैसा देंगे, आप जैसी ऊर्जा बनाएंगे, आकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड भी आपको उसी तरह की ऊर्जा दिखाएंगे। इसलिए अपने आप से प्रेम और दयालुता से बात करें और ब्रह्मांड को आपके आत्ममूल्य का संचार करें। एक बात आपको याद रखनी है कि ब्रह्मांड से बात करने का अभ्यास केवल विशफुल थिंकिंग के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के बीच का एक अलाइनमेंट विकसित करने के बारे में है। यह इस धारणा को अपनाने के बारे में है कि आप अपनी वास्तविकता के सह निर्माता है। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आपको यह जानने में सशक्तिकरण मिलेगा कि आपके पास ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने और अपने सपनों को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ व्यक्त करने की क्षमता है। इसलिए इन 4 पॉइंट्स को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और उन तकनीकों को अपनाएं जो आपके साथ अलाइनमेंट बनाती है, और मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में विश्वास करें। आपका हर एक सपना बहुत ही जल्द पूरा होगा।
अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो पैसों से जुड़ी कुछ स्टेटमेंट्स को आपको लिखना है। जैसे कि मैं अपनी जीवन शैली के लिए आवश्यक धन को सहजता से आकर्षित करता हूँ, मेरे पास निरंतर रूप से प्रचुर धन आता है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन मेरे जीवन में हर दिन आसानी से और खुशी से प्रवेश करता है। मैं धन के लिए आभारी हूँ और इसे अपने जीवन में आने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। मैं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा हूँ और मेरी वित्तीय स्थिति हर दिन मजबूत हो रही है। मेरे पास सभी आवश्यक संसाधन और धन है जो मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहिए। मैं धन के प्रवाह के लिए खुला और सहज बनाता हूँ, जिससे मुझे निरंतर वित्तीय लाभ होता है। धन मेरे जीवन में सहजता और खुशी से आता है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से धन को आकर्षित करता हूँ और इसे अपने जीवन में बहने देता हूँ। मेरी वित्तीय स्थिति बेहतर हो रही है और मैं धन के प्रति सकारात्मक और स्वीकार्य महसूस करता हूँ। इन तरह के अफर्मेशंस का उपयोग करके आप अपने विचारों और ऊर्जा को धन के प्रति सकारात्मक रूप से संरेखित करते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपके थॉट्स और मनी के बीच में एक अच्छा अलाइनमेंट बनाते हैं। सकारात्मक रहे, इन चार प्रोसेस को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और फिर आप देखेंगे कि केवल 7 दिनों के भीतर ही आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है, आपकी हर एक इच्छा पूरा कर रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।